रखिएगा, ये कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं है। उषा सिंगर और ब्रदर, ये तीन बेसिक सिलाई मशीन है जिसपे मैं घर के सारे जितने भी आप मेरे देखते हो मैं सिलती हूँ उसी में ही, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए। उसका रीजन ये था कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक बेडशीट बनाई थी, उस बेडशीट को बनाते टाइम क्या हुआ था, मुझे लगातार जब मैं उसे चला रही थी तो मेरा एक तो हाथ दर्द हो रहा था क्योंकि बहुत सारी स्टिचिंग उसमें होती है, और एक हाथ से मैं उस मुझे अब लगा जाके कि एक हाथ की बजाय अगर दो हाथ से काम करो तो इजी होगा। हालांकि वो मशीन्स अपने आप में बहुत परफेक्ट होती हैं, बहुत बढ़िया होती हैं और मुझे वो पहले से ही पसंद थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब जब मैं इतनी सिलाई कर रही हूँ, वीडियोस भी बना रही हूँ, तो मुझे थोड़ी सी और चीज़ें चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया कि ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। आज मैं जा रही हूँ मार्केट, अपने लोकल मार्केट में, और मुझे लेनी है एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर मैंने बड़ी रिसर्च करी है और बड़ा सोचा समझा है, वेट किया है और टेस्ट किया है, और उसके बाद उसको मैं लेने जा रही हूँ। फाइनली मैं मशीन लेने आ गई हूँ। ये एक शॉप है मथुरा में, और मथुरा में ये विशाल, आपकी शॉप का नाम क्या है? विशाल एंड कंपनी। विशाल एंड कंपनी नाम से है। हमने जो दो मशीन देखी है उसमें एक तो है ये एल्योर और एक्सेलर डीलक्स है। एक्सेलर डीलक्स, अच्छा। दूसरी है वंडर स्टिच। वंडर स्टिच, ये दोनों ही मशीन है, उषा जेनोम में आती है। अब एक चीज और है, मुझे आपकी शॉप पे ना सिंगर भी दिखाई दे रही थी रखी हुई, सिंगर की मशीन, तो सिंगर की अच्छी होती है या उषा की अच्छी होती है? एक्चुअली देखा तो मशीन दोनों ही सेम होती है, बट थोड़ा सा उषा है ब्रांड है, इस पे भरोसा है, ट्रस्ट है, मतलब वो आपको एक इजीली, मतलब रनिंग में एक मोस्टली देखा तो सेल परचेसिंग में नंबर एक मशीन है। उसमें एक वंडर स्टिच मॉडल है, ये 21 स्टिच फंक्शन में आती है। अच्छा, इसमें आप इसका देखें, तो अभी घर पे आप डेमो दे दोगे मुझे? हाँ, बिल्कुल, अभी हैम डेमो मिलेगा आपको। ठीक है, और ये वाली जो है हमारी ये एक्सेलर डीलक्स, एक्सेलर है, तो आप कौन सी बताओगे, कौन सी लेनी चाहिए, जैसे बजट के हिसाब से कौन सी? वैसे दोनों ही मशीन ओवरऑल ठीक है, ठीक है, दोनों ही 21 स्टिच फंक्शन में आती है। बाकी इसमें देखें वंडर स्टिच में एक हार्ड कवर के साथ में आता है। अच्छा, डीलक्स का ये मॉडल सेम मॉडल होता है वो। अच्छा, वो एल्योर सेम होता है, उसमें भी 20 स्टिच फंक्शन होते हैं, सेम प्राइस में है वो भी। अच्छा, बस तो मैं तो ऐसे ही आ गई थी, और मैं कल परसों से सोच रही थी कि मशीन को फाइनल करूं, फाइनल। ये प्रेम सिंह है और ये उषा कंपनी से ही है। मैं इनसे कह रही थी कि जो ये हैंड मशीन रखी हुई है, देखिए यहाँ पे, ये हैंड मशीन अच्छी है कि ये ऑटोमेटिक मशीन अच्छी, क्योंकि अब तक मैं इसी को यूज करती आई हूँ और सबसे बोलती हूँ कि हैंड मशीन ही लो आप लोग, तो आप क्या बताओगे? मैं गारंटी ले रहा हूँ, हैंड मशीन से आप जब इसके बाद आप मशीन चलाएंगे ना इसको, हाँ डेफिनेटली आप उसको भूल जाएंगे, आप हैंड मशीन को। अच्छा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। सिंगर और ब्रदर, ये तीन मैंने सिलेक्ट करी थी मशीन्स, जिसमें से तीनों ही मेरी चॉइस में थी। उसके बाद मैंने थोड़े से रिव्यूज पढ़े, मैं शॉप्स पे गई, तो जितने भी शॉपकीपर्स यहाँ मेरी सिटी में थे सबने मुझे सजेस्ट किया उषा की मशीन लेने के लिए, वो ही था। हालांकि मुझे ब्रदर भी चाहिए थी, क्योंकि ब्रदर की मशीन में क्या है, थोड़े से कम पैसों में आपको स्टिच ज्यादा मिल जाती है। डेमो देने के लिए प्रेम सिंह जी आ गए हैं, और अब हम पूरी मशीन को सीखेंगे कैसे काम करेगी ये। तो हमने एक्सटेंशन लगा लिया है यहाँ पे, क्योंकि ये मशीन चलती है पावर सप्लाई से, तो यहाँ एक्सटेंशन लगा हुआ है, और ये इसका फुट है शायद, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि मशीन को, जो कि हमारी ये मशीन है, इसको ऑन कैसे करते हैं। और मैं आपको बता दूं मैंने कौन सी मशीन ली है, तो हमारी मशीन है वंडर स्टिच, तो ये इसका बैक पार्ट है देखिए, और जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये आएगा हमारा इसका फ्रंट पार्ट। ठीक है, पहले इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ऑन ऑफ स्विच भी दे रखा है, लीड कनेक्ट करने के लिए होल भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ आपने इसमें इसको लगा दिया है, ठीक, और वहाँ हमने इसे पावर सप्लाई से ऐड कर दिया है। जैसे ही ऑन ऑफ करेंगे यहाँ पे लाइट जल जाती है, देखिए। मशीन को चलाने के लिए एक्सीलरेटर को हम प्रेस करते हैं, तो जो हमारा पंजा होता है वो इस साइड रहता है, एडी नीचे की साइड होती है,
यानी इसको जितना तेज दबाएंगे स्पीड इसकी उतनी ही बढ़ेगी। ये व्हील होता है जैसे हमने हैंड मशीन में देखा होगा, व्हील जैसे आप नीडल को अप डाउन करते हैं, अच्छा अच्छा, फैब्रिक को बाहर निकालते हैं, तो उसमें ये हमारा हेल्प करता है। अच्छा, ये क्या काम कर रहा है? ये नीडल अप डाउन करने के लिए। अच्छा, नीडल को अप डाउन करने के लिए, जैसे फैब्रिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फैब्रिक को बाहर निकालते हैं। ठीक है, और इसमें जो यहाँ पे है ये एक स्विच दिया हुआ है, ये फुट प्रेशर फुट होता है इसको अप डाउन करने के लिए। ये है स्पूल पिन, दो दी हुई है यहाँ पे जिसमें की रील डलेगी हमारी। और ये क्या है? बॉबिन वाइंडर। अच्छा, ये बॉबिन इसमें डलेगी जब हम बॉबिन भरेंगे, तो इसमें किसी में भी डाल सकते हैं और जब काम नहीं हो तो हम इसे नीचे प्रेस कर सकते हैं। ये थ्रेडिंग करते हैं, तो थ्रेड हमने यहाँ पे लगा लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम फिल करते हैं बॉबिन। तो बॉबिन को फिल करने के लिए यहाँ पे लगाया है थ्रेड, यहाँ से गए और फिर यहाँ से इसके अंदर एक सर्किल होता है, उस सर्किल के अंदर से होते हुए हम थ्रेड को लेते हैं। ठीक है, तो बस बॉबिन भरने का काम किया, यहाँ लगाई रील और इसमें से लेके यहाँ शटल में लगा दिया। ठीक है, आपका बॉबिन फिल हो रहा है। ठीक है, ठीक है। देखा, एक चीज़ और आपको बताता हूँ, बॉबिन फिल करते समय देखो मशीन रनिंग नहीं कर रही है यहाँ पर, इस समय हमने क्या करा, ये व्हील जो है ना बाहर की तरफ हमने पुल कर रखा है। अच्छा, जब कभी भी बॉबिन भरेंगे तो व्हील हमारा बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, ठीक है, स्वम पुश कर देते हैं अभी, तो अभी आप देखेंगे इसमें निडल जो है ना अप डाउन करेगी, अब बॉबिन फिल होने के साथ साथ। अच्छा, दोनों काम, ऊपर बॉबिन फिल हो रही है, नीचे निडल अप डाउन कर रही है। अब इस मशीन के हम जहाँ से सिलाई करेंगे उस हिस्से पे आते हैं, तो यहाँ पे एक पार्ट होता है जो कि निकल जाता है, डिटैचेबल होता है, उसे निकाल लेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? इसके अंदर हम देखेंगे बॉबिन केस होता है जिसके अंदर हम बॉबिन फिल करते लगाते हैं। सेम प्रोसेस है जैसे और मशीनों में लगाते हैं। ठीक है, यहाँ इसको हम छोड़ देंगे लगा के, सीधी लगा के। अच्छा, ठीक है, धागा इसी के अंदर ही छोड़ देंगे। छोड़ देंगे, ऐसे बंद करके। यहाँ लगाई रील, यहाँ लगे हुए एरो, पहले इसमें लिया, उसके बाद नीचे लेकर आए, यहाँ से एरो दे रहा है ऊपर, यहाँ से एरो दे रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर लेकर आए, ऊपर लेकर के बाद में व्हील को हम घुमाएंगे अपनी तरफ। अच्छा, व्हील को अपनी तरफ घुमाएंगे। हाँ, तो ये लीवर बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसमें होते हुए हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, ये सीधा हम इसको नीचे ले जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, दो हुप रखें, इन दोनों में से किसी में आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नीचे का थ्रेड हम निकाल लेते हैं, बिल्कुल जैसे नॉर्मल मशीन में लगता है वैसे ही निकाल लेंगे, बस घुमाने का सिस्टम सारा यहाँ से है। ठीक है, यहाँ पर देखें सेलेक्टर दे रखा है, यहाँ पे लेंथ दे रखा है, तो सेलेक्टर ये हो गया, लेंथ के लिए डायल ये हो गया। ठीक है, ठीक है, सेलेक्टर के लिए यहाँ पे स्टिच दे रखी है ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, इसमें ऊपर भी है नीचे भी है, पिंक में और एक ग्रीन में। हाँ, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे ए लगा हुआ है तो ये स्टिच के पैटर्न पे लगा हुआ है सेलेक्टर ए, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि आपको सिलाई लेनी है हमको, तो ए ही लगाना है। अच्छा, जो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ए, वही सिलाई आएगी यहाँ से, जैसे यहाँ जो ए वाली सिलाई है, अगर हम इसे बी कर देते हैं तो इधर घुमाना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे घुमाना है हमको। ठीक है, यहाँ पर बी आ गया। हाँ, बी आ गया, तो अब इसमें बी वाली सिलाई चाहिए। अब जैसे हमको लेनी है सी, ठीक है, सी को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। ठीक है, ये सी आ गया, तो सी वाली सिलाई आएगी। ठीक है, ये स्टिचेस बनी हुई हैं। हाँ जी। और इन स्टिचेस को हम ए बी सी डी यहाँ भी लिखा है और इस व्हील पे भी लिखा है ए बी सी डी, तो जैसे जैसे हम इसे घुमाते जाएंगे वही यहाँ पे हमारी सिलेक्ट होती जाएंगी। और यहाँ एक पॉइंट बना हुआ है, उसी के सामने जब आएगी घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये दूसरा वाला पार्ट है लेंथ के लिए। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं बखिया बोलते हैं, उसका छोटा बड़ा बोलते हैं, ऐसी बोलते हैं बखिया। हाँ, बखिया बोलते हैं। हाँ, तो अब ऐसे सिलाई को हम छोटा बड़ा करते हैं, टाका टाका बोलते हैं इसको, तो यहाँ से जीरो से लेके हम फोर की तरफ जाएंगे, तो जितना हम मैक्सिमम नंबर बढ़ाएंगे टाका उतना ही बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गए हमारे ऊपर के लिए स्टिच के लिए। ठीक है, अब इसी मोड पे आप देखें तो नीचे ग्रीन में भी स्टिच आपको नजर आ रही है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एस एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डबल एस। डबल एस, ये एस एस बना हुआ है और इस पे भी थोड़ा सा ग्रीन मार्क बना हुआ है। हाँ, ग्रीन टिक लगा हुआ है। ठीक है, तो एस एस टिक से मतलब है हमारा ग्रीन वाले पैटर्न्स अब आने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर हम ग्रीन यहाँ करेंगे तो अब हमारी ए बी सी डी जो चलेगी वो नीचे वाली चलेगी। जी। यानी अब अगर मैं यहाँ पे, ये तो एस एस लग गया, यानी अब जो हम सिलेक्ट करेंगे वो नीचे वाले सिलेक्ट करेंगे, तो मैंने सिलेक्ट किया जैसे ए, इधर चलेगा ये यूं, ये मैंने ए सिलेक्ट कर लिया है। जी। ये एस एस का मतलब अब नीचे वाली चल रही है। जी।
ठीक है, लेकिन अब मुझे अगर लेंथ बढ़ानी है तो लेंथ कैसे कम? इसमें लेंथ का ऑप्शन नहीं है। अच्छा ठीक है, ऑलरेडी ट्रिपल एन स्टिच में आती है सारी स्टिच, इसमें लेंथ का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे जैसे प्लस और माइनस नहीं आ रहा होगा। हाँ हाँ, तो एक स्टिच को हम थोड़ा सा तीन स्टिच में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, माइनस में, प्लस में और सेंटर पॉइंट में। अच्छा, मतलब हम बस स्टिच का प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। एक्सेसरीज आती हैं, ये होता है सीम रिपर। क्या है ये? सीम रिपर। अच्छा अच्छा, ये बटन होल फुट, बटन होल के लिए काज बनाना जिसको कहते हैं जी। ये हेमिंग फुट, ये पीको के लिए फुट आता है, ये पीको के लिए आता है, पीको करते हैं। ठीक है, ये है जिप लगाने के लिए। अच्छा, जिप भी लग जाती है इससे। मशीन स्टार्ट हो चुकी है, अभी स्टिच चल रही है। ये हमारा पैट देखेंगी, ये बैक करने के लिए। अच्छा, मशीन अब पीछे चलेगी, पीछे की तरफ जा रही है। हाँ, पीछे जा रही है, अपनी तरफ मूव कर रही है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, फोर कर दिया है, फिर टाका बहुत काफ़ी बड़ा आता है। ठीक है, टाका हमने एक बार स्टिच लॉक किया। ठीक है, कोई भी काम करना स्टार्टिंग हमें एक बार टाका हाथ से जरूर लॉक करना होता है। अब मैं थोड़ा सा लेंथ को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं अभी लेंथ थी वन, अब मैंने अब लेंथ बढ़ाएंगे तो ये दूर दूर आएगा। कर दिया, अब देखिए ये दूर दूर हो रहा है। हाँ, नंबर थ्री में अब जा रहा हूँ, और दूर हो गई है। देखिए ये इस तरीके की सिलाइयाँ आई हैं हमारी, अलग अलग पैटर्न आते जा रहे हैं। अब जितनी भी हैं सिलेक्ट कर करके हम सारी बना सकते हैं। ऑटोमेटिक मशीन के साथ अलग अलग फुट आते हैं जिनसे अलग तरीके के काम आप कर सकते हैं, जैसे पीको कर सकते हैं, चेन लगा सकते हैं, बटन के लिए काज बना सकते हैं, और कुछ तो इसमें मशीन के साथ मिल जाते हैं और कुछ आप जो है मशीन के अलावा भी परचेस कर सकते हैं। जैसे देखिए ये इस तरीके के फुट हैं, पूरा मतलब बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं जो आपको परचेस करने पड़ते हैं। तो मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखी हैं, और जो एक चुन्नट वाला होता है और एक दो जो है मैंने फुट परचेस किए हैं। इस काम को करते हुए आप लोगों ने मुझे बहुत देखा होगा, मैं हाथ में सुई लेके लगी रहती थी घंटों, और ये देखो कितनी बढ़िया तैयार हो गई है इससे गैदरिंग्स यानी चुन्नटें बारीक बारीक। अच्छा लग रहा है मुझे इस मशीन में काम करके, काम काफी आसान है इसमें करना, और इतनी देर में मतलब काम फास्ट होता है, क्योंकि जो वो हाथ वाली मशीन होती है, चीकू, हाथ वाली मशीन में काम करना थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग तो है, और इसे टाइम भी नहीं लगा मुझे सीखने में, फटाफट अभी वो डेमो देके गए हैं और मैं करने लगी हूँ इसमें काम। तो अगर आप मशीन लेना चाहते हैं, बिगनर हैं और आप ये सोच के डर रहे हो कि मुझे ऑटोमेटिक नहीं लेनी चाहिए, तो आप ऑटोमेटिक ले सकते हो मशीन। और ये उषा की मुझे अपने रिसर्च के बाद सबसे अच्छी मशीन लगी थी, मुझे लग रहा था ये सबसे अच्छी मशीन है काम करने के लिए। तो इसका मैं कंप्लीट डेमो आपको जरूर दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में ही कोशिश करूंगी कि आपको दूं। तो जितना अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता है तो उषा की वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर लो। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं था, ये मैं सब खुद लेकर आई हूँ, तो अब बना लेती हूँ। अगर इसमें कोई भी चीज आपको यूजफुल लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर करना, और अब मैं इस पर कुछ सिलूंगी, अगर स्टिच कर पाई तो वो इसी वीडियो में डालूंगी आपके साथ, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और अब ना खाना बनाने का भी मन नहीं करेगा, जब कोई नई चीज आती है तो उसमें ही काम करने का मन करता है, तो मेरा मन कर रहा है बस सिलते रहो। मैंने इसके ना दो ये फुट लिए हैं, इसके दो फुट मैंने लिए हैं, एक तो एम्ब्रॉयडरी वाला लिया है और एक जो गैदरिंग वाला होता है वो लिया है। इनको भी आज जरूर ट्राई करूंगी कि कैसे ये होते हैं, और सारे फंक्शन ट्राई करूंगी, और उसके बाद ही मैं मानूंगी कि मुझे मशीन चलाना आ